मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन। कोटा के राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कॉलेज के मेन गेट पर गुस्साए छात्रों ने ताला जड़ दिया। तो कॉलेज के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज परिसर में पुलिस तैनात। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शन। कोटा के राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखने को मिला। कॉलेज के मेन गेट पर गुस्साए छात्रों ने लगाया ताला। कॉलेज के गेट पर भूख हड़ताल। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कोटा से तस्वीरें, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ। राजेंद्र, छात्र संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहना? देखिए, छात्र संघ लगातार राजस्थान में जिस तरह से राजनीति की पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ चुनाव को किसी भी निर्णय लेकर यहाँ पर रद्द कर दिया गया। उसके बाद में छात्र लगातार कॉलेज के मेन गेट पर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आज छात्र एकत्रित हुए और छात्रों ने यहाँ पर जो राजकीय महाविद्यालय नयापुरा स्थित है उसके मेन गेट पर ताला जड़ दिया। यहाँ पर टायर जलाकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद में छात्र यहाँ पर प्रिंसिपल से मिले और प्रिंसिपल के कक्ष में जाकर भी काफी नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कराई। छात्रों का यही कहना है कि जो छात्र संघ चुनाव है वो कराए जाए और छात्रों के जो राजनीतिक भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है और जो छात्र इच्छुक हैं, जो छात्र हितों के लिए छात्र नेता काम करते हैं, उनके हक को नहीं मारा जाए। जी जी मां बिल्कुल राजेंद्र, तो ये तो वो तमाम चीजें हुई जो छात्रों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि छात्र संघ के चुनाव जो हैं वो करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे, क्या वजह? देखिए सीमा, अभी तक इस तरह की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की तो पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो विश्वविद्यालय परिसर है और जो महाविद्यालय जो प्रशासन है वो लगातार जो छात्रों की मांग है उच्च अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और कोटा में आज एक विचित्र बात देखने को ये भी मिली कि छात्रों ने यहाँ पर कॉलेज गेट को ताला जड़ दिया और ताला जड़ने के बाद में प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि यदि छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते और छात्रों की मांगे पूरी नहीं मानी जाती है तो छात्र कॉलेज के मेन गेट पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये भूख हड़ताल लंबी चलेगी। जी चलिए, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो हम बहुत जल्द गवर्नमेंट कॉलेज गेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए हमें पहले से लाठियां खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी और छात्र संघ चुनाव को बहाल करना पड़ेगा। इनसे हमारी एक ही अनुरोध है कि हमारे छात्र संघ चुनाव को बहाल करो, वरना आपको और आपकी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर छात्र संघ चुनाव आप नहीं करवाओगे तो छात्रों का मनोबल तोड़ोगे आप। छात्र नेता जो यहाँ से निकलते हैं विधानसभा तक जाते हैं, लोकसभा तक जाते हैं, आप उनको इनके सीटें वाई सीटें छड़ रहे हैं, इनको बंद करना चाहते हो आप। डायरेक्ट आप अपने लोगों को विधानसभा में भेजना चाहते हो। छात्र राजनीति जो निकल के बनता है उसको आप कहीं जाने नहीं देना चाहते, इसलिए छात्र राजनीति का आप विघटन मत करो। गवर्नमेंट कॉलेज कोटा का मेन गेट बंद करके टायर जलाकर प्रदर्शन किया, प्रदर्शन कर समस्त छात्र सकते हम मिलके निदेशक महोदय तक पहुंचे। निदेशक महोदय के यहाँ पहुँच कर हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देके हमने अवगत करवाया कि जो छात्र संघ चुनावों को लेकर अपडेट आया है, जो राज्य सरकार ने कहा है छात्र संघ चुनाव हम नहीं करवाएंगे, तो हम चाहते हैं कि छात्र। और इसी बीच अहम खबर।